देखिए जी, हम लोग जो है चार्जर बनाने के लिए जा रहे हैं, चार्जर बनाना सीखना है, उसके लिए क्या होना चाहिए? डायोड होना चाहिए आपके पास। देखिए डायोड, ये पट्टी इधर रहता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो पट्टी है वो क्या बताता है? प्लस। अब इसका देखिए छोटा छोटा भाई है, छोटा छोटा, अब इसका व्हाइट पट्टी हम दिखा नहीं पाएंगे आपको, आप अपने से देख लीजिएगा, हम एक बार दिखा दिया आपको, ये व्हाइट पट्टी को प्लस बोलते हैं, इधर वाला क्या हो गया? प्लस। अब उसके अपोजिट वाला क्या? माइनस। हम लोग चार गो डायोड लेंगे, क्या लेंगे? चार गो डायोड। अब दो ठो डायोड लेना है और दोनों का प्लस को एक साथ लेना, ध्यान दीजिएगा, दोनों का प्लस को एक साथ लेना है। तो बताइए दोनों का जब प्लस एक साथ लिए तो क्या बचा? दोनों माइनस। दोनों का माइनस बचा, और ये आपका सिलेबस में भी है, पढ़ना है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, प्रैक्टिकल करने से आपको फायदा भी हो जाएगा, सीख भी जाएगा चार्जर बनाना। तो इसको जोड़ के हम लोग इसको जोड़ के एक बार रख दिए, और दो गो और लीजिएगा माइनस, और दोनों का क्या लीजिएगा? माइनस माइनस। माइनस कैसे पहचानेंगे? जिधर पट्टी नहीं रहेगा, जिधर पट्टी नहीं रहेगा, वेरी गुड। तो जिधर पट्टी नहीं है उधर वाला दो लिए हम और जोड़ दिए। अच्छा बताओ ये दोनों एक साथ जो सटा दिए ये क्या है? माइनस। और इधर जो दो सटा दिए वो क्या है? प्लस। तो इसमें दोनों क्या बचेगा? माइनस। प्लस ये है, मेरा हाथ में प्लस है जो पकड़े हैं, ऊपर वाला माइनस बचा ना। हाँ सर। और इधर जो इस हाथ में पकड़े हैं दोनों माइनस सटाए, हाँ प्लस बचा। तो यदि हम लोग इसको सटा दें ऐसे ऐसे सटाए या उल्टा करके सटाए, ऐसे भी सटाए, एगो प्लस माइनस एगो प्लस माइनस बनेगा, क्योंकि दोनों का प्लस एक जगह रखे तो दोनों माइनस माइनस बच गया, और यहाँ पे दोनों का माइनस एक जगह रखे प्लस प्लस यहाँ जाएगा। अब दोनों को क्या कीजिएगा? इसको जोड़ दीजिएगा। अब जोड़ दिए तो जहाँ पे प्लस माइनस बना, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे प्लस माइनस बना वहाँ क्या दीजिएगा? एसी दीजिएगा। कितना वोल्ट? 12 वोल्ट। काहे 12 वोल्ट एसी दीजिएगा बोलिए तो? क्योंकि आपका जो बैटरी होता है वो कितना ये बैटरी को क्या करना है हम लोग को? चार्ज। तो ये जो हम लोग बनाए ये जो बना ये क्या बन गया हम लोग का? चार्जर बन गया। और बहुत ही आसान है, चार को डायोड लेना है, क्या करना है? चार को डायोड लेना है। एक बार फिर से हम कर रहे हैं रिपीट, एक डायोड हम लोग के पास यहाँ है, दूसरा डायोड है, और एक और तोड़ दिया, कोई बात नहीं। तो दो डायोड को लेना है और प्लस प्लस वाला को क्या करना है? एक साथ कर देना है। और दो का माइनस को क्या करना है? एक साथ। दो प्लस को एक साथ करके रखे, उसके बाद दो का माइनस माइनस को क्या करना है? एक साथ करना है। उसके बाद जो दो बच गया इधर, इधर दो बचा इधर, तो बचा इधर, क्या कीजिएगा? आपस में तो ये छोटा वाला बड़ा वाला लिए थे, इस तरह करके जोड़ने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा? कुछ इस तरह करके मिलेगा। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, जो प्लस प्लस दो हुआ प्लस प्लस, देख लीजिएगा उसमें पट्टी रहता है, तो ये दोनों का क्या हुआ? ये दोनों प्लस प्लस हुआ, ये वाला प्लस हुआ और ये माइनस। यहाँ से एगो तार निकालेंगे प्लस वाला दे देंगे इसमें, और माइनस माइनस जो दोनों है उसको यहाँ करेंगे, और ये प्लस माइनस हुआ ऊपर वाला, ये प्लस माइनस हुआ, इसमें क्या देंगे? 12 वोल्ट एसी। एसी देंगे, कितना देंगे? 12 वोल्ट एसी। 12 वोल्ट एसी कहाँ से मिलेगा? ट्रांसफार्मर से। अब आ जाइए थोड़ा सा यहाँ पे, देखिए एक ट्रांसफार्मर है मेरे पास, एक ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट एसी बनाएगा ना। ये ट्रांसफार्मर थोड़ा सा कैमरा नजदीक ले आइए, दिखाई पड़ेगा जैसे, ये जो आपका ट्रांसफार्मर है ये 220 को कितना बनाएगा? 12 वोल्ट एसी बनाएगा।
12 वोल्ट एसी यहाँ देगा। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 12 वोल्ट एसी को दो तार लाएंगे, और हम क्या बताए थे आपको, जो ये चार्जर बनाए हैं यहाँ पे प्लस माइनस को एक दे देंगे और प्लस माइनस को यहाँ दे देंगे। प्लस माइनस में क्या देंगे, 12 वोल्ट एसी, और जहाँ पे प्लस प्लस मिला ये रेड वाला तार, ये रेड वाला जो तार है इसको थोड़ा सा हम घुमा के धर ले जाते हैं तो ज़्यादा आसान रहेगा। वो बच्चा पकड़िए इसको तो ऊपर करके, करंट नहीं मारेगा, पकड़िए ना, 12 वोल्ट है। अब ये जो ऊपर में जो तार हुआ ये क्या हुआ, रेड वाला वो ब्लैक वाला, 12 वोल्ट डीसी, ये दोनों 12 वोल्ट डीसी, और यहाँ क्या दे रहे हैं, 12 वोल्ट एसी। 12 वोल्ट एसी कहाँ से आया, ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट एसी को क्या करता है, 12 वोल्ट एसी में करता है। और ये 12 वोल्ट एसी जब हम इसको रेक्टिफायर को देते हैं, चार्जर को देते हैं, चार्जर क्या करता है, एसी को डीसी में बदल देता है। तो पहले 220 वोल्ट एसी इसको दीजिएगा तभी तो यहाँ 12 वोल्ट एसी मिलेगा। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं, 220 वोल्ट एसी है। जैसे इसको यहाँ पे ऑन करेंगे यहाँ कितना आएगा, 12 वोल्ट, यहाँ पे आएगा 220 वोल्ट, यहाँ मिलेगा 12 वोल्ट एसी, 12 वोल्ट एसी, यहाँ क्या आ गया, 12 वोल्ट एसी, एसी बदल देगा डीसी में, 12 वोल्ट डीसी मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कि बॉल चल रहा है आपका, यहाँ पे इधर देखो, इधर देखो, ये देखो, नहीं दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, अब देखिए पता चलेगा, दिखाई पा रहा है ना, नजदीक कर दीजिए तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा नजदीक कीजिए, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब और दिखाते हैं, वो पता चल जाएगा ये 12 वोल्ट डीसी यहाँ आ रहा है, इसको देखिए इस पार करके दिखाएंगे, देखिए अभी समझ में आएगा, दिख रहा है ना, हाँ 12 वोल्ट डीसी आ रहा है, देखिए पूरा रेड करके दिखा दिए, देखा, अब क्या कर सकते हैं, लोग आराम से बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो कोई भी बैटरी को पकड़िए, भारी है थोड़ा लगेंगे, अब 12 वोल्ट बैटरी को चार्ज, इसको छोड़ क्यों लिया, पकड़ो इसको, अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाला जो आया है, प्लस वाला को यहाँ बैटरी का दिखा दो, बैटरी का प्लस से ठीक तो था, पलट था ही, 12 वोल्ट को प्लस को प्लस देना है, ठीक है, प्लस माइनस, इतना समझदार सर है सर, बैटरी का प्लस लिख दिया क्या, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस क्या, आराम से चार्ज होगा ये, अब तुम 10 मिनट के लिए लगाओ तो 2% 3% जैसे मोबाइल में नहीं होता है, इसका भी 2% 3% होगा, 1 घंटा के लिए लगाएगा तो 10% 20% 4-5 घंटा के लिए लगा देगा, क्या चार्ज हो जाएगा, अब फुल चार्ज हो जाएगा। तो फिर जो अभी इसके पहले जो वीडियो बनाए हम लोग, क्या एक बॉल लगा देंगे और एक क्या लगा देंगे, रिले लगा देंगे, मैग्नेटिक स्विच वाला, तो उसमें उस वीडियो में इसके बारे में बताया, तो वहाँ से देखिएगा समझ में आ जाएगा। चार्जर बनाना एकदम आसान है, 12 वोल्ट एसी यहाँ मिला, क्या से ट्रांसफॉर्मर, 220 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट एसी बनाया, एकदम सिंपल है, 12 वोल्ट एसी ये रेक्टिफायर में गया, और ये 12 वोल्ट एसी यहाँ देखो, थोड़ा हाथ नदी लेके आओ, तो ये जो हाथ में पकड़े हैं ये प्लस माइनस वाला है, डायोड जो है मोटा वाला देना थोड़ा सा, ये देखिए ये जो डायोड है आपका, ये डायोड का जो दाग है, ये दाग वाइट है, प्लस बोलते हैं, तो इसी प्रकार दोनों प्लस हम लोग क्या करते हैं, साथ में एक तरफ साथ में रख देते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए दोनों प्लस इसमें साथ में किए हैं और ये दोनों किए हैं, तो इसको थोड़ा कोई खोल सकता है, खोलो तो इसको, इसको हम खोलते हैं, खोल दो इसको, एकदम बढ़िया समझ में आ गया, कोई बना जाएगा, अब कोई बना जाएगा, देखिए ध्यान से, हम क्या किए, दोनों का प्लस को लेके एक जगह ज्वाइंट कर दिए, दो को डायोड लीजिएगा, दोनों का प्लस को एक साथ, और दो और डायोड लीजिएगा और दोनों का माइनस इस बार एक साथ कर दीजिएगा, अब दोनों का प्लस एक साथ किए तो ये बचा किया माइनस माइनस, और ये दोनों का आपका माइनस एक साथ किए बचा किया, ऊपर में प्लस प्लस बचा और नीचे में माइनस, दोनों को जोड़िएगा ऐसे ऐसे जोड़िए या उल्टा करके जोड़िए, बात तो बराबर ना है जी, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, दोनों प्लस यहाँ है तो दोनों माइनस यहाँ ना होगा, और यहाँ पे दोनों माइनस है तो ऊपर क्या होगा प्लस, तो यहाँ जो हम लोग अभी जोड़ने जा रहे हैं दोनों का टांग इसका जोड़ने जा रहे हैं, इसमें क्या बनेगा प्लस और माइनस बनेगा, अब
प्लस माइनस में क्या देंगे, अल्टरनेटिंग करंट देंगे। अभी बोर्ड में जो अल्टरनेटिंग करंट का डायग्राम वगैरह बना के दिखाए थे आपको, प्लस माइनस होता है, तो यहाँ देंगे प्लस माइनस, और जहाँ प्लस प्लस है वो बैटरी का प्लस में जाएगा, जहाँ माइनस है माइनस अब समझ में आ गया। आज बहुत देर हो गया, आप यहीं पे रहने देते हैं।